नमस्कार। हमारे कुछ साथी लोग हैं जो झुग्गी बस्ती में काम करते हैं, जैसे पवन शुक्ला जी हैं, अविनाश जी हैं और भी कई लोग हैं जो आजकल मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 महीने से झुग्गी झोपड़ी में काम कर रहे हैं, वस्त्र वितरण का काम कर रहे हैं, शिक्षा का काम कर रहे हैं और कई तरह के काम कर रहे हैं, किताब पेंसिल वितरण करते हैं। मैं देख रहा हूं और मैं समझ रहा हूं कि काम बहुत ही बढ़िया काम है, इस काम की प्रशंसा करनी चाहिए, जितना प्रशंसा किया जाए उतना ही कम है। पहली बात तो यह है, इस देश में झुग्गी झोपड़ी बनती क्यों? कोई भी आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहना पसंद करेगा? इस देश की बहुत बड़ी दुर्भाग्य है मित्रों कि आज से 40-50 साल पहले जब देश आजाद हुआ था और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, विदेशों में गई, उन्होंने देखा कि भाई वहां पे झुग्गी नहीं है, तो उन्होंने दिल्ली में जितने भी झुग्गी थे सबको तोड़ के और सबको जो जे जे कॉलोनी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी बनी हुई है, मुझे लगता है कि आधी दिल्ली झुग्गी झोपड़ी ही है, झुग्गी झोपड़ी वाली कॉलोनी है जे जे कॉलोनी। उसके बावजूद भी लोगों ने क्या किया, अपनी झुग्गी बेच दी और झुग्गी बेच के फिर झुग्गी डाल दी, झुग्गी बनता गया, प्रशासन के नाक के नीचे झुग्गी बनता है और आज ये हो रहा है कि भाई उस झुग्गी को तोड़ के जहाँ झुग्गी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा एक वो किया है कि जहाँ झुग्गी हो वहीं मकान बनना चाहिए, बहुत ही अच्छा विचार है, अरे लोगों को दिक्कत पड़ता था, लेकिन क्या मैं उम्मीद करूं कि इसके बाद झुग्गी नहीं बनेगी हमारे हिंदुस्तान में? क्यों बनती है झुग्गी? ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग जो हैं, जहां तक मुझे अनुमान है कि झुग्गी झोपड़ी के जिम्मेदार हम स्वयं हैं, गरीबी के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हमारे झुग्गी झोपड़ी में जो भाई बहन रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं, टांगे चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, और वो क्या करेंगे, शाम को उनको डेली दारू चाहिए, मुर्गा चाहिए, पैसे का बचत नहीं करते। उनके 4-4, 5-5 बच्चे हैं, ज्यादातर आप चले जाएं शिक्षित जगह पे जहाँ की बच्चे की संख्या कम होती है, स्वाभाविक है, समझ भी है। तो पहली बात तो ये है कि हम गरीबी के जिम्मेदार स्वयं हैं। आज आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बिल्कुल गरीब थे और आज वो अमीर हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है। क्यों है? उनकी समझ है, सोच है। अगर वो 100 रुपये कमाते हैं, 50 खर्च करते हैं, 50 भविष्य के लिए रखते हैं, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी में हमारे बच्चे रहते हैं, हमारे मित्र लोग रहते हैं, वो इस बारे में नहीं सोचते कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, उनको शाम को दारू जरूर चाहिए। मैं किसी के भावना पे वार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये सत्य वचन है कि वो झुग्गी में रहने वाले लोग उसके जिम्मेदार स्वयं है, समाज नहीं है। क्या झुग्गी से बढ़ के आदमी मकान में नहीं रह सकता है? रहेगा, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, ये नहीं हो पा रहा है। और सबसे इसका दुर्भाग्य बात यह है कि इसमें क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो पा रही है, उसका मुख्य कारण है अशिक्षा। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है और अगर लोग अशिक्षित हैं तो उनको ये रहता है कि हमारे 4 बच्चे होंगे तो अगर हमें 5-5 हजार कमा के लाएंगे तो 20 हजार हो जाएंगे, तो इस चक्कर में रहते हैं कि हमारी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं किसी धर्म समुदाय किसी के ऊपर वो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है जनसंख्या नियंत्रण हो। अब मैं आपको खुली शब्दों में कहता हूं कि हर जगह शोषण हो रहा है समाज में। क्यों हो रहा है शोषण? उसका कारण ये है, डिमांड कम है और चीज ज्यादा है। किसी भी चीज का डिमांड अगर कम हो और सामान ज्यादा हो, आलू की पैदावार ज्यादा हो जाए तो आलू बिल्कुल सस्ता हो जाता है, उसी तरह आदमी की पैदावार बहुत अधिक हो गई तो आदमी की कीमत कम हो गई। आज आप देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लड़के जो हैं वो भी नौकरी के लिए भटकते रहते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है, क्या हो जाए, यही हो जाए। तो इसलिए
शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और वहाँ पे जो ये जनसंख्या नियंत्रण है इसको करना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये नियंत्रण नहीं हो पाता है तो सारे विकास कार्य, आप देख रहे हैं दिल्ली में कितने फ्लाईओवर बन गया, उसके बावजूद भी ट्रैफिक की क्या समस्या है। आपको 5 किलोमीटर जाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है कई बार। इसका मेन कारण ये, लोग कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती, मैं समझता हूँ सरकार बहुत कुछ कर रही है। आज जितना फ्लाईओवर दिल्ली में है, जितना अंडरपास दिल्ली में है, उतना किसी भी शहर में नहीं होगा। रिंग रोड सिग्नल फ्री, आउटर रिंग रोड सिग्नल फ्री, हर जगह बन गया, मेट्रो चल गई, उसके बावजूद भी आप देखिए रोड पे चलने का जगह नहीं है। जो अनऑथराइज कॉलोनी है, जहाँ कभी कारें नहीं होती थी, आज वहां पे पार्किंग की इतनी समस्या हो गई, पार्किंग के लिए गोली चलती है। तो हर काम सरकार को ही नहीं करना है, इस सब काम को हम लोग खुद कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि भैया जनसंख्या नियंत्रण करें, मेरा फोकस उसी पे है कि आज देश की जो हालत चरमरा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस सब का मेन वही कारण है कि जनसंख्या हद से ज्यादा बाहर हो चुकी है। जहाँ 1 मंजिल मकान थे, आज वहाँ 4 मंजिल में रहने का जगह नहीं है। 50-50 मंजिल मकान बन रहा है, फिर भी रहने का जगह नहीं है। क्यों? पॉपुलेशन ज्यादा है। इसलिए मैं तो यही सुझाव दूंगा और मैं इन लोगों से भी कहूंगा कि अगर वहां आप जाते हो तो उनको, माँ बाप को भी बुलाओ, सभी को बुलाओ और उनको बोलो कि भैया इस पे कंट्रोल करो, नहीं तो आने वाला दिन, आने वाला जो पीढ़ी है ना, हमें माफ नहीं करेगा। पीने का पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा। आज दिल्ली की हालत आप देख रहे हो, क्या हालत हो रही दिल्ली में, पोल्यूशन की मात्रा कितनी ज्यादा है, गाड़ियां इतनी अधिक हो गई, 24 घंटे गाड़ियां स्टार्ट रहती है, 24 आवर। ये सब बातें हैं। इसलिए जो है मैं तो इन लोगों से भी कहूंगा कि वहां जाके भी थोड़ा इस विषय पर, और मैं भारत सरकार से भी कहूंगा कि इस पर थोड़ा सोचे और इसकी नीति बनाए, नहीं तो इस देश में